ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक्सप्रेस स्पेशल में। और अब खबर आपको बता रहे हैं मुंगेली से। मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत छतौना में बैजा कब्जा हटाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रभावित लोगों के अलावा ग्राम पंचायत छतौना के पंच सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर SP से शिकायत करते हुए बैजा कब्जा हटाने गई टीम की कार्य प्रणाली पर पक्षपात पूर्ण कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि सरकारी जमीन में 40-50 वर्षों से व्यवसाय कर रहे गरीबों को पास के ही निजी जमीन मालिकों की शिकायत पर हटा दिया गया, लेकिन अब निजी जमीन के मालिक के द्वारा कब्जा हटने के बाद खुद की जमीन के अलावा उसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण हटाने गई टीम के द्वारा हड़बड़ी में गड़बड़ी करते हुए गाँव के शासकीय पंप हाउस और हैंडपंप पर भी बुलडोजर चलवा दिया गया। यही वजह है कि शिकायतकर्ताओं ने उस जगह की सरकारी जमीन की सीमांकन की मांग करते हुए कब्जा हटाने के बाद पुनः दूसरे व्यक्ति द्वारा कब्जा किए जाने का विरोध जताते हुए कब्जा मुक्त करने की मांग के अलावा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। हम लोग शिकायत लेके आए थे, शासकीय भूमि में जो है पंप निर्माण हुआ था उसको बिना नोटिस दिए तोड़ दिया गया है, और हमारे जो ग्राम पंचायत में जो अपना शासकीय भूमि है उसमें मतलब कब्जा किया गया है, उसकी शिकायत लेकर हम कलेक्टर महोदय के पास आए थे। छोटा छोटा 6 भाइयों का दुकान है जिसमें 6 परिवार का रोजी रोटी चलता है, तो उसे दूसरे लोगों ने राजन जायसवाल ने तोड़वा दिया और वो जगह शासकीय भूमि है। लेकिन मानवीय आधार पे जो है ये चुस्ती नहीं दिखाने थे, इन्हें समय देना चाहिए था। इनका सामान का भी नुकसान हुआ है, लगभग 3-5 लाख का सामान का भी नुकसान हुआ है, चोट अलग आई है, एक व्यक्ति जो है फांसी पे झूलने का प्रयास किया है। इसी संबंध में एक ज्ञापन देकर के गए हैं जिसकी जांच में लिया गया है, जांच करने के बाद में ही सही स्थिति क्या होगी बताया जा सकेगा। दूसरी बात की अगर ग्राम पंचायत का पंप हाउस था तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए, उसको जांच के बाद या चेक कराने के बाद उसको संज्ञान में लेंगे कि क्यों तोड़ा गया, क्या है वो वाकई में ग्राम पंचायत का पंप हाउस था कि निजी जमीन का पंप हाउस था। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज्यता रोहित कश्यप ऑनलाइन पे जुड़ गए हैं। रोहित, बेजा कब्जा हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने यह आरोप लगाए हैं कि उन्होंने पक्षपात पूर्ण तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, ऐसे में ग्रामीणों ने क्या क्या आरोप लगाए हैं? देखिए, बताना चाहूंगा कि पूरा जो मामला है मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत छतौना का है, जहाँ के जो प्रभावित लोग हैं और ग्राम पंचायत के सरपंच पंच एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्टर और SP से शिकायत करते हुए कहा है कि जिस व्यक्ति के शिकायत पर ही प्रशासन ने बेजा कब्जा हटाया और उसके बाद बेजा कब्जा हटाने के बाद जिस निजी जमीन के मालिक ने शिकायत किया था बेजा कब्जा हटाया जाए सरकारी जमीन की, सरकारी आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ खुद पीड़ित फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते मैम। जी, बेजा कब्जा हटाने के लिए जो टीम पहुंची थी, आपका आरोप है कि पक्षपात पूर्ण तरीके से ये कार्रवाई की गई है, कितनी इस बात में सच्चाई है और क्या 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 आरोप आप निगम प्रशासन पर लगा रहे हैं? प्रशासन तो पूरी तरह से मैम की वो गुंडागर्दी तरह से पेश आए हैं। जी जी, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी मैम, पूरी तरह से एकदम गुंडागर्दी की तरफ से नायब तहसीलदार ये पूरा टीम लेकर अपने साथ गुंडागर्दी की तरह वहाँ पे बुलडोजर चलवाए गया JCP मैम जी। और हम लोग उससे पहले भी हम लोग 4 तारीख को कलेक्टर जी के पास भी गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं तहसीलदार से बात करता हूँ, फिर भी हम लोग का 5 तारीख को बेजा यानी दुकान पूरा 6 भाइयों लोग का दुकान। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग कार्रवाई चाहते मैम, उस जगह का जितना जल्दी शीघ्र सीमांकन हो वो सबसे हमारे लिए यह रहेगा। क्या आपने लिखित में शिकायत की थी ग्रामीणों ने एकत्रित होकर? मनोज जी, जो वहाँ पे एक हैंडपंप था वो वहाँ पे उस चौक में कम से कम 15 दुकान है, वो सभी दुकान में पानी सप्लाई होता है, यानी अपने अपने जरूरत के लिए पानी ले जाता था वहाँ, तो आज वहाँ पे पानी का भी दिक्कत हो रहा है।
लेकिन क्या संदर्भ में आपने छतौना के जो सरपंच है उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की? क्या वो आपकी तरफ से बात रखने को तैयार हैं? हाँ, बात तो रखे हैं। हमारे वहाँ पे 33 डिसमिल वो साक्षी भूमि है, तो उसका जितना जल्दी हो सके उसका सीमांकन वो यही चाह रहे हैं हम लोग। और उस जगह में पंप हाउस बना हुआ था, उसको भी जेसीबी से तोड़ दिया गया। कुल मिलाकर आपको आश्वासन क्या मिला है कि कब तक इस मामले पर न्याय मिल जाएगा? क्योंकि पक्षपात पूर्ण रवैये से कार्रवाई तो की है प्रशासन ने, लेकिन कब तक न्याय मिल जाएगा? वो तो आश्वासन तो दिए 2-3 दिन के अंदर तो बोले हैं मैम, लेकिन कल एसपी साहब से मिले थे तो आज शाम तक उन्होंने अपने हमारे जरागांव थाना से टीआई से वो मांगे हैं, आगे रिपोर्ट मांगे हैं कार्रवाई का। तो देखो, अगर इसमें अब शाम को पता चल रहा है कि कल पता चल रहा है जी, तो उसके बाद फिर हम लोग को अगर सांत्वना नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ ना कुछ। कुल मिलाकर आप चेतावनी क्या देते हैं अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया या कार्रवाई नहीं हुई तो क्या चेतावनी देते हैं? हम लोग अनशन उसमें बैठ जाएंगे मैम, धरना प्रदर्शन करेंगे हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए मनोज जी, और हमारे साथ संवाददाता भी जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।